पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस लगातार नए खुलासे कर रही है। मर्डर केस में कई बदमाशों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब खबर सामने आ रही है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर फिरोजपुर जेल में कैदियों के दो गुटों के बीच विवाद हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट भी हुई है। इस दौरान करीब एक दर्जन कैदी घायल हो गए हैं, वहीं करीब चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच मूसेवाला की हत्या को लेकर बहस हो गई थी। एक वेबसाइट के हवाले से लिखा है कि जेल में हुई हिंसा की बात गुप्त रखी गई थी। जेल अधिकारियों का कहना है कि एक पक्ष मूसेवाला की हत्या को गलत बता रहा था, जबकि दूसरा पक्ष सही बता रहा था। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई। सूत्रों का ये भी कहना है कि घटना के वक्त जेल के अंदर कैदियों को रोकने के लिए भी इंतजाम नहीं थे, जिससे हिंसा बढ़ती चली गई। मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस इस मामले में पूछताछ के लिए दो अपराधियों को पेशी वारंट पर जेलों से भी लाई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दोनों को भटिंडा और फिरोजपुर जेल में लाया गया है। पंजाब पुलिस ने सोमवार को कहा था कि उसने हत्या के मामले में कुछ लोगों को पकड़ा है। राज्य पुलिस ने घटना को गिरोहों की आपसी दुश्मनी का नतीजा बताया था और कहा था कि मूसेवाला की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। बिश्नोई गिरोह के सदस्य और कनाडा में रहने वाले गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस के अनुसार मूसेवाला की हत्या पिछले साल हुई युवा अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के प्रतिशोध में हुई लगती है। मिड्डू खेड़ा की हत्या में मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत का नाम सामने आया था। हालांकि पुलिस के अनुसार शगनप्रीत भागकर ऑस्ट्रेलिया चला गया था।